गाइस वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान, आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के मोस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले वो लगाते हैं और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी मोस्ट क्वेश्चन लगा दे। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, मोस्ट क्वेश्चन मैच करते हैं, आपको पता है जिस तरह से 70-80-90%, बट हम वेरिएशन लेके चलते हैं 40-70% के अप्रोक्स आपका पेपर मैच करेगा, यानी कि फेल तो नहीं होंगे इस मोस्ट क्वेश्चन को। अगर आप कर लोगे तो फेल तो नहीं होने दूंगा, किसी को बैक नहीं आने देंगे इस मोस्ट क्वेश्चन से, ठीक है। हो सकता है 70% मैच कर जाए, हो सकता है 80% कर जाए, हो सकता है 40% ही हो, लेकिन मैच होगा। थोड़ा बिलीव रखिए हमारे ऊपर और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर के लिए। अब करते हैं बात मोस्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकंड की, इमेज सैम्पलिंग क्या होती है, इसको मार्क कर लें, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके अंदर ह्यूमन आइज को आपको पूरी डीपली डिफाइन करना है विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ में। तो ये वाला क्वेश्चन भी मार्क कर लें। आगे चलते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन ये है आपका कलर विजन मॉडल है, ठीक है, RGB मॉडल वाला। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जिसमें CMYK वाला, ओके। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें नीचे चलते तो थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेक्शन बी में या ए में पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन। एंड एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, इसमें इमेज आपकी क्वांटाइजेशन एंड स्केलर क्वांटाइजेशन को डिफाइन करना है। नाइस क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है ये रहा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, बी में आ सकता है सी में आ सकता है, लेकिन ये आएगा 100%, जिसमें आपको स्टेप्स बताने हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के विथ डायग्राम बना के आना, एक एक चीज़ को डिफाइन करना ताकि आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाए। मेरे ख्याल से पार्ट सी में आना चाहिए और अब देखते हैं पार्ट सी में आता है या बी में आता है, लेकिन ये आएगा 100%। नेक्स्ट चलते हैं इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, ये मैंने अभी आपको बताया, इसमें डायग्राम के साथ बना के आना और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। प्लेलिस्ट में भी वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ से भी आप चेक इट आउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी गिवन है इसकी, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर 2 आ गया। अब अगर आपको चाहिए पूरी कंप्लीट यूनिट्स तो आपके लिए मैं एक बेस्ट ऑफर लेके आया हूँ, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने मार्क कर लिया, अब अपन चलते हैं आगे। तो आपको अगर आप रिमेनिंग यूनिट्स की PDFs चाहिए, यानी कि मोस्ट क्वेश्चन चाहिए, साथ ही साथ जितनी भी आपकी रिमेनिंग सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर की कंप्यूटर साइंस की, उसके मोस्ट क्वेश्चन चाहिए वो भी मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स में मार्क करे हुए मोस्ट क्वेश्चन वो भी मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट्स जो 1-2 घंटे में आप पढ़ के मतलब पूरा माइंड फिक्स कर सकते हो अपना एग्जाम के प्रति, वो भी आपको मिल जाएंगे जस्ट 49 रुपीज़। बहुत कम प्राइस रखी गई है, 49 रुपीज़ में आपको तीन चीज़ मिल रही है, मोस्ट क्वेश्चन की PDF मिल रही है सबकी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, ओके, एंड आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मेक श्योर यार ऑफर को जल्द से जल्द ले लीजिए, लिमिटेड होता है एक्सेस, फिर नहीं मिल पाता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ जल्द से जल्द फटाफट की एक्सेस ले लीजिए। क्या करना है, इस QR कोड को आपको बेसिकली स्कैन करके 49 रुपीज़ पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन आपको इस मेल ID पर मुझे सेंड कर देना है, साथ ही साथ अपने सेमेस्टर का नाम लिख देना, ठीक है। दिस इज़ फॉर CS एंड IT ब्रांच ओनली। देखिए इलेक्ट्रिकल इन सब के लिए नहीं है, बट जो है CS और IT के लिए फिलहाल हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। मोस्ट क्वेश्चन जल्द से जल्द ले लीजिए गाइज, आने वाली वीडियोस में पता नहीं मोस्ट क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, लेकिन PDF आपको पहले ही मिल जाएगी, ओके। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ओके। जल्द से जल्द मिलता हूँ मैं आपको PDF के साथ में। जय हिंद जय भारत।